हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी हरियाणा के 10th और 12th के स्टूडेंट हैं तो आज की वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज की वीडियो में बात होने वाली है आपकी बोर्ड एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट अपडेट के ऊपर। बोर्ड एग्जाम से पहले आपकी बार बताया गया था कि आपके दो प्री बोर्ड होंगे और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, आप ऑफिशियल न्यूज देख सकते हैं जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है बोर्ड परीक्षा से पहले दो बार प्री बोर्ड परीक्षा होगी। और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि आपका रिजल्ट जो है उसको सुधारा जा सके, रिजल्ट को जो है अपग्रेड किया जा सके। और जैसा कि आपको पता है एक प्री बोर्ड आपका हो चुका है, तो अब बात आती है सेकंड प्री बोर्ड के ऊपर, यानी कि अब दूसरा प्री बोर्ड है वो कब होगा, कैसे होगा, क्या सिलेबस आएगा, क्या उसके अंदर वैल्यू एड करनी है, तो आज की वीडियो में इन सब बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं स्टार्टिंग से। गाइज, आपके जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उनके अंदर अब की बार बहुत सारे बदलाव हैं, जैसा कि आपको पता ही है। तो बोर्ड चाहते हैं कि अब की बार स्टूडेंट्स की अच्छे से तैयारी हो, क्योंकि अगर अब की बार आपने नॉर्मल सी तैयारी की तो आप उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब की बार पैटर्न बदल दिया गया है, बहुत सारी चीज़ें नई इंक्लूड हुई हैं। तो उसी कड़ी में एक न्यूज़ भी आई थी, मैं आपको न्यूज़ दिखाता हूँ फिर आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने में अभी वक्त है। जल्दी ही प्री बोर्ड परीक्षा स्कूलों में होने वाली है, सेकंड प्री बोर्ड परीक्षा। इससे पहले ही विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों से बोर्ड परीक्षा परिणाम सुधारने को लेकर एक्शन प्लान मांगा है, जिसे बोर्ड रिजल्ट इम्प्रूवमेंट का नाम दिया गया है। फिलहाल 25 दिसंबर तक एक्शन प्लान भेजने के निर्देश हैं। यानी कि और भी है ये न्यूज़, लेकिन जो मेन पार्ट है वो मैं आपको सुनाना चाहता था कि 25 दिसंबर तक एक प्लान मांगा गया था कि भाई कैसे कैसे जो है अब की बार तैयारी करवाई जाए, कैसे स्टूडेंट्स को जो है अब की बार के जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं जो थोड़े डिफरेंट हैं उनको फेस करने की हिम्मत दी जाए। तो उसी के अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की गई कि भाई क्या क्या होना चाहिए, प्री बोर्ड होने चाहिए, स्कूल असेसमेंट टेस्ट होने चाहिए, इसके अलावा और भी एक्स्ट्रा क्लास होनी चाहिए, लेसन प्लान से उनकी तैयारी करवाई जाए, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं। और ये सब कुछ हो क्यों रहा है, ताकि अब की बार का जो सेशन है उसकी तैयारी अच्छे से करवाई जाए, क्योंकि अब की बार ही पैटर्न बदला है और फर्स्ट टाइम आप लोग ही वो स्टूडेंट हो जो कि इसको फेस करने वाले हो, जो कि इसका सामना करने वाले हो। तो आपकी तैयारी पर इतना जोर इसीलिए दिया जा रहा है। तो अगर आप भी अब नॉर्मल तरीके से पढ़ रहे हो तो गलती कर रहे हो, आपको भी अब थोड़ा सा जो है स्मार्टली स्टडी करनी पड़ेगी, लेकिन अब वो अलग बात है। चलिए आज की वीडियो के ऊपर ही रहते हैं, भटकते नहीं है मुद्दे से। हम बात कर रहे थे प्री बोर्ड के ऊपर। तो प्री बोर्ड भी उनमें से एक पॉइंट है कि भाई दो प्री बोर्ड लिए जाएं, एक आपका हो चुका होगा, दूसरा जो प्री बोर्ड होगा उसके ऊपर आज की वीडियो में बात करते हैं। तो वो कब होगा, तो सेकेंड प्री बोर्ड जो है वो आपका होगा छुट्टियों के बाद, यानी कि जनवरी में ही होगा, लेकिन आपकी छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएगी 15-16 उसके बाद होगा। जैसे किसी के 20 से स्टार्ट हो सकते हैं, किसी के 22 से स्टार्ट हो सकते हैं, किसी के 25 से स्टार्ट हो सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि अब की बार जो सेकंड प्री बोर्ड है वो ऑल ओवर हरियाणा का एक ही हो, यानी कि डेट शीट एक ही तरफ से आए, एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। पिछले वाला कैसे हुआ था, सब अपने स्कूल के बेस पे ले रहे थे, कोई स्टार्टिंग में ले रहा था, कोई कब ले रहा था, लेकिन हो सकता है सेकंड जो है उसकी एक डेट शीट आ जाए, ये कन्फर्म नहीं है, कन्फर्म होगा तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन एक बड़ा बदलाव जो सेकंड प्री बोर्ड में होने वाला है अब उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो मैं आपको न्यूज़ दिखाता हूँ, ये देखिए, शिक्षा निदेशालय की नई योजना, इस बार टैबलेट से होंगी प्री बोर्ड की परीक्षाएं, यानी कि आपका जो सेकंड प्री बोर्ड है वो टैबलेट से कराने के ऊपर विचार किया जा रहा है। ये भी ध्यान रखना, मैं आपको डराने नहीं आया हूँ, सच्चाई बताने आया हूँ। ये इस न्यूज़ को जब मैंने पूरा पढ़ा, इसके अलावा और दो आर्टिकल पढ़े, तो पता चला कि अभी कन्फर्म नहीं हुआ है ये, लेकिन इसके ऊपर विचार चल रहा है, स्टूडेंट्स से भी राय मांगी गई है, इसके अलावा टीचर्स से भी राय मांगी गई है। तो आज की वीडियो इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको अपनी राय देनी है इसके ऊपर कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लास्ट में मैं बात करता हूँ। तो ये जो न्यूज़ है इसमें साफ लिखा हुआ है कि विचार चल रहा है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट अब की बार जो प्री बोर्ड है, सेकंड प्री बोर्ड जो कि आपका होगा जनवरी में, वो टैबलेट पे करवाए, ऑनलाइन करवाए। तो आपका इसके ऊपर क्या विचार है वो आप सबको बताना है। इसके अलावा इसमें कैसे क्या होगा वो भी देखिए। जो मेन मेन चीज़ें इस न्यूज़ में बताई गई है मैं उसके ऊपर ही आपका ध्यान लेके जाऊँगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपका टाइम जो है बहुत कीमती है, मुझे पता है, क्योंकि एक एक मिनट जो है अब आपका बहुत कीमती है, आपको लगे या ना लगे, अब आपको जो है अच्छे से तैयारी करनी है। तो देखिए यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, विद्यार्थियों की पहली प्री बोर्ड परीक्षा ऑफलाइन ली जा रही है, वहीं जो प्री बोर्ड की दूसरी परीक्षा जनवरी माह में ली जाएगी वो टैबलेट पर ली जाएगी, जिसका शिक्षकों के साथ साथ अभिभावक भी विरोध कर रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि प्री बोर्ड की परीक्षाएं करवाने का उद्देश्य विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षाओं का पैटर्न समझाने से होता है। अब खुद सुन लो जो ये सोचते हैं कि भाई प्री बोर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है, खुद तुम्हारे टीचर्स, खुद एजुकेशन डिपार्टमेंट कह रहा है
कि यहाँ पर प्री बोर्ड इसलिए करवाए जाते हैं ताकि आपको अब की बार का जो पैटर्न है बोर्ड परीक्षा का वो समझाया जा सके। तो अगर तुम प्री बोर्ड्स को लाइटली ले रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि पैटर्न अगर तुम नहीं समझ पाए तो बोर्ड एग्जाम में दिक्कत होगी। आगे देखो, प्री बोर्ड परीक्षाओं का उद्देश्य विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षाओं का पैटर्न समझाने से होता है। इस बार प्री बोर्ड की परीक्षाएं दो बार करवाने का मतलब भी यही है कि विद्यार्थियों को पैटर्न अच्छे से समझ में आ जाए, वो ये ना कहें कि ये कैसा पैटर्न आ गया नया, क्योंकि अब की बार नया ही आने वाला है। आगे देखो, ताकि उनका रिजल्ट भी अच्छा है, यानी कि मेन मुद्दा क्या है, रिजल्ट अच्छा लेके आना है, इसीलिए सारे काम हो रहे हैं, चाहे आपका लेसन प्लान हो, स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट हो, और भी टेस्ट हो, एक्स्ट्रा क्लास हो, प्री बोर्ड हो, आपके जो है और अदर एक्टिविटीज़ हो, चाहे कॉन्फ्रेंस की गई हो, आपको की पॉइंट्स बताए गए हों, सारी की सारी चीज़ें किस लिए हो रही हैं, ताकि आपका रिजल्ट सुधारा जा सके। आगे देखो, लेकिन अगर जनवरी माह में होने वाली परीक्षाएं टैबलेट पर होंगी तो अधिकतर विद्यार्थी ऑनलाइन व ऑफलाइन में कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो ये कहना है आपके जो टीचर्स हैं और पेरेंट्स हैं उनका। लेकिन अब आपका इसके ऊपर क्या विचार है, क्या आपका प्री बोर्ड ऑनलाइन होना चाहिए या फिर ऑफलाइन होना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल आपसे ही है, क्योंकि ये आपका होने वाला है, ठीक है, और टीचर कुछ भी बोले, पेरेंट्स कुछ भी बोले, लेकिन देना तुम्हें है, तो तुम बताओ कि कैसे होने चाहिए, और वो जो है ये वीडियो आगे से आगे मैं शेयर करूँगा ताकि आपकी बात आगे से आगे पहुँचे। तो आप लोगों को कमेंट करना है इस वीडियो में, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, इस वीडियो में कह रहा हूँ कि कमेंट कर देना, जिसके ज़्यादा कमेंट होगी उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे कि भाई ऑनलाइन होनी चाहिए ऑफलाइन होनी चाहिए, तो सभी को कमेंट करना है। तो ये तो एक बड़ा बदलाव था आपकी प्री बोर्ड में, जो कि हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा, मैंने आपको ये बता दिया कि आपका सेकंड प्री बोर्ड जो है वो तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, अब जैसे ही छुट्टियाँ ख़त्म होंगी उसके बाद होगा, यानी कि 15 जनवरी के बाद होगा। इसके बाद हम बात करें प्री बोर्ड में क्या आएगा, तो वही सारा का सारा सिलेबस आएगा। अब की बार आपको जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, इसके अलावा थोड़े से और सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं। तो यानी कि आपका मेन उद्देश्य क्या है कि भाई इन प्री बोर्ड्स में चाहे आपके कम नंबर आ जाएं, लेकिन इनको देना ज़रूर है, ताकि आपको पैटर्न समझ में आए, ताकि आपको पता चले कि कैसे कैसे क्वेश्चंस अब की बार बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो एक बात और ध्यान रखना, इन प्री बोर्ड्स में जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें से हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी हों, क्योंकि प्री बोर्ड में जो है टीचर्स को गाइडलाइंस दी गई हैं कि आपको जो है वैसे ही क्वेश्चंस देने हैं जैसा कि अब की बार बोर्ड ने बताया है। बोर्ड ने जो है सख्त गाइडलाइंस भेजी हैं कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करवाने हैं, जैसे कि एक मीटिंग भी हुई थी 15 मिनट की वीडियो, उसमें भी बोर्ड चेयरमैन साहब ने बोला था कि आपके अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, तो वो सारे के सारे जो है अब की बार आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको ये प्री बोर्ड जो है मिस नहीं करना है, पहले वाला कर दिया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मिस मत करना। और अगर पहले वाला दे दिया है और अब कोई ज़रूरी काम है तो कर सकते हो, लेकिन मेरा यही कहना है कि यार एक प्री बोर्ड तो तुम कम से कम फेस करो, चाहे पहला किया है या दूसरा किया है, एक तो करना है सभी को, ताकि उन्हें बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। इसके अलावा आपको ज़्यादा टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है, अब जो है रिलैक्स माइंड से अपनी स्टडी के ऊपर फोकस कीजिए। अब जितना से जितना आप ज़्यादा जो है रिविज़न करेंगे वही आपके लिए बेस्ट रहेगा, जितना सेल्फ स्टडी करेंगे वही बेस्ट रहेगा, कोई अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है टाइम, मुझे पता है डर थोड़ा बढ़ता जा रहा है, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, आपके लिए सरप्राइज़ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ हैं जो कि मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।